अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सामा शाहिद और आप देख रहे हैं इंसेफलोटोमी चैनल। आज हम एक मशीन के बारे में बात करेंगे जो कि इस दुनिया की इंतहाई पेचीदा मगर एक इंसान की ज़िंदगी में इंतहाई अहम किरदार अदा करने वाली मशीन है। वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल इंसेफलोटोमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो टाइम पर मिलती रहें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं जो कि एक इंसान के लिए इंतहाई पेचीदा मगर इंतहाई अहम मशीन के बारे में है और वो मशीन हमारा दिमाग है। अगर हम उसकी अहमियत को देखें तो इंसानी जिस्म में खून गर्दिश कर रहा है मुख्तलिफ छोटी बड़ी नालियों में। इन तमाम ब्लड वेसल्स में ब्लड सेल्स मौजूद हैं। उन ब्लड सेल्स की कुल तादाद 60 ट्रिलियन है, यानी 6 के आगे 13 जीरो लगाएं तो 60 ट्रिलियन बनता है। 60 ट्रिलियन ब्लड सेल्स 60,000 मील की लंबाई वाले ब्लड वेसल्स में गर्दिश कर रहे हैं। इतने लंबे ब्लड वेसल्स में इतने ज्यादा ब्लड सेल्स का एक खास प्रेशर में गर्दिश करना, जिस्म का दर्जा हरारत कंट्रोल में रखना, आंख का झपकना, दिल का एक खास रिदम में धड़कना, दिमाग इन तमाम चीज़ों के लिए हेडक्वार्टर है, यानी दिमाग इन तमाम कामों को करता है। और दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा हमारे दिमाग की कैपेसिटी कितनी है, मेमोरी स्टोरेज कितनी है, इसमें क्या कुछ स्टोर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम दिमाग की मेमोरी के बारे में जानते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक हमारे दिमाग की कुल मेमोरी 2.5 पीटाबाइट है, यानी एक टीवी 300 साल तक लगातार चलता रहे जो कुछ उस टीवी पर आएगा इंसानी दिमाग में समा सकता। अमेजिंग, यानी इंसानी दिमाग की मेमोरी इतनी ज़्यादा है कि जितनी अभी तक एक कंप्यूटर की मेमोरी मुतारिफ नहीं हो सकी। और दोस्तों, दुनिया में जितने भी टेलीफोन के कनेक्शन हैं, एक इंसानी दिमाग में उन तमाम से ज़्यादा न्यूरॉन्स के कनेक्शन मौजूद हैं। साइज डजंट मैटर। हाथी का दिमाग तकरीबन 4 किलो का होता है, ब्लू व्हेल उसका दिमाग तकरीबन 9 किलो वजनी होता है और इंसानी दिमाग का वजन तकरीबन 1.5 किलो है, सिर्फ 1.5 किलो। एनिमल ब्रेन मे बी बिगर बट ह्यूमन ब्रेन इज स्मार्टर। जो सलाहियतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी दिमाग को दी वो किसी और जानदार के दिमाग को नहीं मिली। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की। और फ्रेंड्स, हमारा दिमाग 75% लिक्विड पर मुश्तमिल है, यानी 75% माया और सिर्फ 25% हार्ड यानी ठोस है। और हमारा दिमाग हमारे जिस्म की तकरीबन 25% एनर्जी यूज़ करता है। और अगर देखा जाए तो इंसानी दिमाग का वज़न पूरे जिस्म के मुकाबले में सिर्फ 2% यानी 2% है, लेकिन ये हमारे पूरे जिस्म की 25% एनर्जी यूज़ करता है। किसी बुज़ुर्ग ने क्या खूब लिखा है कि माइंड इज़ नॉट अ डस्टबिन टू कीप एंजर हार्टेड एंड जेलसी बट इट इज़ अ ट्रेजर बॉक्स टू कीप लव हैप्पीनेस एंड स्वीट मेमोरीज। तो फ्रेंड्स, हमें भी चाहिए कि हम अपने दिमाग को अच्छे कामों में यूज़ करें। मुझे यकीन है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।